हेलो फ्रेंड्स, करंट टेक सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सिंबल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसके बारे में। ये सिंबल क्यों आता है, किस पार्ट में गाड़ी में प्रॉब्लम आने से ये सिंबल आता है। वैसे तो दोस्तों मैंने इस सिंबल पर एक वीडियो बना दी थी जो कि एक्सेलेटर इशू है। जब गाड़ी के एक्सेलेटर सेंसर में प्रॉब्लम आती है तो ये सिंबल जो आपकी गाड़ी के डिस्प्ले पर शो करने लगता है। वैसे मैंने इस पर एक वीडियो बना दी थी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया दोस्तों, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। लेकिन मैंने उस वीडियो में सिर्फ इतना बताया था कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है, कैसे आती है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको टोटल बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम से सोल्यूशन पाने की क्या कॉस्ट है, कैसे आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करवा सकते हो। दोस्तों, जो रेनो क्विड लॉन्च हुई है 2015 में, उसी की सभी गाड़ियों में ये एक्सीलेटर प्रॉब्लम आ रही है। कम से कम मुझे 100 कॉमेंट्स मिले हैं सारी वीडियो पर कि ये सिंबल हमें डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर और क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी का जो एक्सीलेटर है उसकी प्रॉब्लम है। एक्सीलेटर का जो सेंसर है, जब उसमें प्रॉब्लम आती है तो ये सिंबल शो करने लगता है। अगर आपकी गाड़ी में ये सिंबल शो कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते, आप रेगुलर गाड़ी ड्राइव कर सकते हो। ये सिर्फ एक सेंसर की प्रॉब्लम की वजह से आपकी डिस्प्ले पर शो करने लगता है। कई लोग सोचते हैं कि हम गाड़ी अगर ड्राइव करेंगे ये सिंबल शो कर रहा है, अभी प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, आप रेगुलर गाड़ी ड्राइव कर सकते हो। लेकिन ये सिंबल जाएगा कैसे, इस प्रॉब्लम से सोल्यूशन कैसे मिलेगा? दोस्तों, आपकी गाड़ी का जो एक्सीलेटर चेंज होगा और आपको सर्विस सेंटर पर कॉल करना है नियरेस्ट और पूछना है कि एक्सीलेटर की ये वाला सिंबल आ रहा है और आपके पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट जो रिप्लेस होगा वो आपके पास अवेलेबल है या नहीं। क्योंकि जो गाड़ी का एक्सीलेटर पैडल है दोस्तों वो रिप्लेस होगा, उसे चेंज करके न्यू जो एक्सीलेटर पैडल लगाया जाएगा, फिर ये प्रॉब्लम आपकी जाएगी। इस एक्सीलेटर पैडल की दोस्तों कॉस्ट क्या है? इसकी कॉस्ट है दोस्तों 5000 रुपीज। अगर आपकी गाड़ी अंडर वारंटी है तो इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। कुछ गाड़ियों में ये प्रॉब्लम दोस्तों 1 साल के अंदर आ जाती है, कुछ में ये 1 साल के बाद आती है। लेकिन हमारे पास अगर एक्सटेंड वारंटी है 4 साल की रेनो क्विड की, तो हमें इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास एक्सटेंड वारंटी नहीं है और 1 साल बाद आपको ये प्रॉब्लम फेस होती है, तो उसके लिए आपको 5000 रुपीज पे करना होगा एक्सीलेटर पैडल को चेंज करवाने के लिए। तो दोस्तों, जैसे ही आप एक्सीलेटर को ज़्यादा प्रेस करोगे तो ये सिंबल गायब हो जाएगा। जैसे ही आप उसको छोड़ोगे एक्सीलेटर को, तो ये फिर विजिबल होने लगेगा। तो इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये छोटी सी प्रॉब्लम है सिर्फ एक्सीलेटर पैडल की, सेंसर की। जब आपकी गाड़ी का एक्सीलेटर चेंज कर दिया जाएगा तो ये प्रॉपर ठीक हो जाएगी। रही बात ड्राइव करने की, रेगुलर आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हो। इससे अगर आपकी गाड़ी में ये सिंबल आता है और आप सोचते हो कि ड्राइव करने से कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। आप गाड़ी को ड्राइव करके अपनी नियरेस्ट सर्विस सेंटर पर जाकर वहाँ से अपनी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन पा सकते हो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।